अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमीरपुर विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां अधिवेशन छोटी काशी मंडी के माँ भीमा काली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020 और 21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष तथा विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव भी पारित किए गए, हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य। ये दो प्रस्ताव इस अधिवेशन में सर्वसहमति से पारित किए गए। वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 वर्ष बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि इसके साथ घोषित IIT मंडी का निर्माण व इसके बाद घोषित IIM व AIIMS का अपने भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका। वहीं बात करें तो तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की तो वहां पर चल रहे 8 पाठ्यक्रमों में एक भी स्थायी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व बागवानी विश्वविद्यालय नौणी की काफी बरकम फीस से शिक्षा आम गरीब छात्र की पहुंच से बाहर है, जिसे विद्यार्थी परिषद किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि स्कूल प्रबंधक अप्रैल माह से अभी तक की ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के शुल्क फिर से ले सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। वो प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि जब पिछले 8 महीनों से सभी स्कूल बंद है, ऐसे में ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की फीस ली जाना तर्कसंगत नहीं है। विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि निजी स्कूलों सहित किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर ट्यूशन की फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस इस सत्र में नहीं ली जाए। बात करें प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य की तो कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि स्थिति के अंदर प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठाए ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके। केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, इसको जो घोषणा हुई है उसको 11 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया, जिसको चले जो 2011 में चला, 2018 में उसमें नियमित कक्षाएं चलाई गई, परंतु आज तक सरकार नियमित भर्ती करने में असफल रही है तथा वहां पे भारी भरकम फीस विद्यार्थियों से वसूली जा रही है। और अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो प्रदेश भर में बेरोजगारी फैल चुकी है। सरकार को इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। बात करें कृषि विश्वविद्यालयों की, वहां पे भारी भरकम फीस विद्यार्थियों से वसूली जा रही है, तो जो कि गरीब विद्यार्थियों के जो इस शिक्षा को गरीब विद्यार्थियों का ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो विद्यार्थी परिषद एक जन आंदोलन करेगी, पूरे प्रदेश भर में एक जन आंदोलन करेगी। अगर हम बात करें निजी स्कूलों की, तो वहां पे